हाय गाइस, दिस इज शालिनी सूर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। और इस फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने वाली है द मच अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 375, व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। दिस फिल्म स्टार्स अक्षय खन्ना, मीरा चोपड़ा और रिचा छड्डा इन द लीडिंग रोल, व्हिच डील्स विद द सेंसिटिव कंटेंट ऑफ रेप। तो आज रखी गई थी इस फिल्म की एक प्रेस स्क्रीनिंग, तो आइए जानते हैं ऑडियंस से कि क्या ये फिल्म रही ग्रिपिंग एनफ टू कीप देम रूटेड टू देयर सीट्स। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 375 देख के आए हो, कैसी लगी आपको? बहुत अमेजिंग, जो एक्सपेक्टेशन था एक्सपेक्टेशन से एक लेवल ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के बाद। और जो अक्षय खन्ना ने जिस तरीके का इस फिल्म के अंदर अपना किरदार निभाया है, माइंड ब्लोइंग। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी, अच्छी लगी मुझे एकदम। कहानी में जो ट्विस्ट था वो देख के तो बहुत मज़ा आ गया, क्या है वो नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छी पिक्चर है और दिस फिल्म इज एक्चुअली गोइंग टू स्पार्क अ लॉट ऑफ डिबेट, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर मूवीज ना वेयर द पॉइंट्स आर वन साइडेड। वी ऑलरेडी नो हु द विलन इज एंड हु द हीरो इज। सेक्शन 375 इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट कोर्टरूम ड्रामास दैट बॉलीवुड हैज मेड, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू स्पार्क अ लॉट ऑफ डिबेट एंड इट विल एक्चुअली स्टार्ट अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट सोशल मीडिया ट्रायल्स एंड ट्रायल्स बाय द मीडिया are not actually the be all and the end all, let the court decide what the truth is. बहुत ही अच्छी रियलिस्टिक तरह से बताई गई है, विदाउट एनी मसाला या कमर्शलिज्म, एकदम टू द पॉइंट फिल्म बनाई है। अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल थॉट। What would you want to say about the actors, Akshay Khanna, Meera Chopra, Richa Chaddha, unki acting kitni achhi lagi? See, Akshay Khanna has always been one of the most dependable actors in the industry. I wish he did more films. Again, he has delivered a fantastic performance and so has Richa Chaddha and Meera Chopra. Rahul Bhatt is a surprise package. He has also acted really well. So the film actually rests very high on performances and on the script and dialogues. It is a very real courtroom drama. Unlike, see, Damini and all these films are cult classics, but they are very filmy. This is a very real depiction of what happens in the court. अगर अक्षय खन्ना की बात करूँ तो वो जिस जो 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 उनका डायलॉग डिलीवरी आ रहा था, जिस तरीके से, कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो सब नेचुरली आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं, वो सच में वो खुद ही वकील हो। वही अगर रिचा की बात की जाए तो थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी एक्टिंग आ रही थी बहुत स्लो लग रही थी वो, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है। अक्षय खन्ना ने तो मतलब कम आते हैं लेकिन धमाल मचा देते, हाँ फाड़ देते स्टेज। और वो रिचा चड्डा ने भी बहुत अच्छा काम किया, उन लोग की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब है ना, ऐसी पिक्चर होने के बाद भी बोर नहीं होने दिया, मेन चीज़। और एंड था जो, और पिक्चर में जो टर्न्स थे, ऐसा सीधा सीधा कोर्ट रूम ड्रामा नहीं था, तो वो देख के मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अक्षय खन्ना ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और रिचा का तो रोल काफ़ी वेल रिसर्च्ड वन था, उन्होंने अच्छा प्रिसाइज एक्टिंग करके विदाउट एनी हलो बोलो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये अक्षय खन्ना, बहुत लंबे लंबे डायलॉग उसने बहुत अच्छी तरह से बोले और उसका डैडी का याद आता है। सब अच्छे थे, राहुल भी, इनफैक्ट हाँ राहुल ने भी अच्छी एक्टिंग की, सब ने एक्टिंग वाइज तो सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, रिसर्च बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था। कहीं कहीं छोटे मोटे एक दो जो लूप होल्स थे उनको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल फिल्म बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लेके उन्होंने बनाया। जब भी ऐसी एक फिल्म बनाई जाती है रेप जैसे सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर, तो तब डायरेक्टर का जो जिम्मेदारी होती है बहुत बढ़ जाती है टू पोर्ट्रे द स्टोरी इन द राइट वे ऑन स्क्रीन। तो डू यू थिंक द डायरेक्टर हैज गॉट डन अ गुड जॉब इन मेकिंग अ ग्रिपिंग स्टोरी? डायरेक्शन की बात की जाए, स्क्रीन प्ले की बात की जाए, सब एकदम मस्त, एकदम मज़ेदार लगी है मुझे। मैं कहीं भी खोट निकालना चाहूँ इस फिल्म में तो मेरे से नहीं निकलेगी, सच्ची बोल रही हूँ। यस, ही हैज एज आई सेड, इट इज अ वेरी रिस्ट्रेंड टेक ऑन व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट एंड यू कैन नॉट एक्चुअली आर्ग्यू विद द जज एज इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द कोर्टरूम ड्रामास एंड द लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ वेरी वेल इन द फिल्म एंड ओवरऑल इट्स अ गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, पीपल शुड वॉच दिस। या द डायरेक्टर हैज डन अ गुड जॉब, अदरवाइज ही कुड हैव गॉन ओवरबोर्ड विद द रेप थिंग व्हिच इज अ नॉर्म नाउडेज, सो मेनी मूवीज ऑन रेप हैज कम, बट दिस इज बीन द मोस्ट रियलिस्टिक फिल्म टू कम ऑन रेप। क्या है, द लॉ इज गिविंग फुल फ्रीडम टू द गर्ल्स, because if a girl goes to the police station and tells that I was raped and here she is taking revenge from the director and but the police don't understand all this, the affair which ends with a revenge, that the girl wants to punish the boy and so this is a loophole, you know, the girl has got the advantage here, so this is clearly a case of Alok Nath and Vinita Nanda.
And there Alok Nath is an actor and Vinita Nanda is a writer director. हमने इनके जो director हैं उनसे पहले भी गुप्तगु की थी. बहुत टटल फिल्म, हर पक्ष को दिखाना, हर चीज़ को, और एक उन्होंने नया एंगल दिया मीटू को, एक नया एंगल दिया. हालांकि एंड में जो भी डिसीजन है उन्होंने छोड़ दिया कि दर्शक वो तय करे, लेकिन पूरी फिल्म बांधे रखती है, कहीं भी भटकता नहीं है मन. और ज़रूरत नहीं थी इसमें कि इसमें कोई हम बार डांस देखें, ये देखें. कोर्ट रूम ड्रामा ही इतना अच्छा था, पूरी फिल्म को बांधे रखा. इस पर मैं बिल्कुल अग्रीड हूँ कि दोनों पक्ष देखना चाहिए. हमें जो दिखता है या जो बिकता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है. इस फिल्म में जो हमारे लीगल प्रोसीजर है और कोर्ट रूम है, उसके भी डार्क साइड को भी दिखाया गया है, जो डीप रूटेड डार्क साइड है. तो आपको क्या लगता है कि ऐसी फिल्में जो है, विल दैट एनकरेज दी रेप विक्टिम्स टू कम आउट इन पब्लिक एंड सीक फॉर जस्टिस, या इन द ऑपोजिट वे ही होगा कि यू नो दीज थिंग्स विल स्केयर देम एंड दे विल शाय आउट? हाँ, कि जैसे कि अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन जैसे कि लास्ट में भी दिखाया गया है कि जब जब पब्लिक इतनी सारी जमा हो जाती है तो वो जो जज है उनके माइंड में क्या चलता है, उसके बेस पे वो उसके उसके बिहाफ में वो डिसीजन लेते हैं. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू डू द ऑपोजिट. ऑल द पीपल हु हैव बीन अक्यूज्ड, दे माइट गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यस दे हैव बीन रॉन्ग्ड, दिस इज अ फॉल्स एक्यूजेशन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव अवे द प्लॉट एंड द ट्विस्ट इन द एंड, बट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड सी सेक्शंस 75 फ्रॉम अ different side. It will be a eye opener for all the audiences. Maybe the rape incidents will be getting less and less after this film, but the public awareness will be more after this film. Yeah, it is a very sensitive point. The women are going to enjoy this film because somewhere I feel that the law is taking the side of the women. And in spite of the loophole, the law is still taking the side of the women more. And nowadays, if you see carefully in our country, our the ruling party is also favoring the women. And talaq 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 ko aur aap dekho to kafi mere hisab se it is in a good sense. We should take it in a good sense. Bahut acha, bahut gehri study hai. और ख़ुद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था हमसे कि हमने पहले, मुझे इन सब लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम था. मैंने स्टडी की बहुत अच्छे से, जब समझा सब्जेक्ट तब मैंने वो सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई. एक बार कोई रेप केस में फंस जाए ना तो उसका कोर्ट भी केस में, मतलब कोर्ट भी उसको फेवर नहीं करता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, मतलब बोलते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही सही हो, लड़का भी सही हो सकता है. तो केस जब जज या भगवान डिसीजन देख के सच्चाई की तरफ लेते हैं, तो वो सच्चाई क्या है वो जब वकील को पता चलता है. हम लोग तो पब्लिक है, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं लड़की रो रही है, मतलब लड़की बेगुनाह है और उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ. लेकिन बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं जिन पर अत्याचार हुआ. मिसयूज ऑफ सेक्शन 37, मतलब लड़कियों ने इसको हथियार बना लिया है, तो वो भी इस पिक्चर में थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है. तो ओवर एंड ऑल अच्छा, मतलब पिकअप बहुत अच्छा था, एंड बहुत अच्छा था पिक्चर का, मजा आया देखने में. कितना स्टार्स दोगे आप? मैं 4 स्टार. 3.5. 4 स्टार देना चाहूँगा. आई विल गिव 4 out of 5. 3.5 देना चाहूँगा. 3.5. तो गाइज, ये था सेक्शन 375 का प्रेस स्क्रीनिंग का रिव्यू, जिससे जाहिर पता चल रही है कि अक्षय खन्ना और पूरी स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग रही कामयाब इन एंटरटेनिंग द ऑडियंस, और इस फिल्म के मेकर्स रहे कामयाब इन कीपिंग द ऑडियंस एंगेज एंड रूटेड टू देयर सीट्स. सो डू नॉट फॉरगेट टू मिस दिस फिल्म, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस फिल्म दिस फ्राइडे एट द बॉक्स ऑफिस. तो ये था हमारा प्रेस स्क्रीनिंग का रिव्यू. इफ यू लाइक आवर रिव्यू, डू नॉट फॉरगेट टू लीव कॉमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी टॉकीज़.